अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने घी लिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसमें मैं एक बड़ा प्याज ऐड कर रही हूँ। इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी। इधर मैंने मैंने तवे पे ड्राई रोस्ट किया है और इधर मेरे पास है गरम मसाला 1 टेबलस्पून, मेरे पास है चिकन पाउडर, हल्दी, दड़ा मिर्च, नमक, काली मिर्च और ये मेरे पास है सूखा धनिया और ज़ीरा, इसको भी मैंने रोस्ट कर लिया। इसमें मैं घी का ज़रा कम इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि लास्ट में मैंने इसको तड़का भी लगाना है। इधर लहसुन भी फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, काली मिर्च और ये सारे मसाले ऐड करूँगी, दड़ा मिर्च और नमक। थोड़ा सा पानी डालूँगी। अच्छा ये अब इधर मेरे पास बेसन है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। इसमें मैं ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करूँगी, इसका कैसे कच्चापन जाएगा, कड़ी में से जल्दी जल्दी बेसन का कच्चापन नहीं जाता। अब इसको मैंने तवे पे ड्राई रोस्ट किया है। अब इसको मैं ऐसे ही इसमें मसाले में ऐड करूँगी अपने बेसन के। और इसकी अच्छी तरह से बनाई करूँ। ये देखो, कोई इसमें लम्स नहीं बना, कोई कुछ नहीं हुआ। अब इस कंडीशन में मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। पालक है मेरे पास, इसमें मैं हाफ़ यूज़ करूँगी पालक, तकरीबन ये मैंने 1/2 किलो लिया पालक, हाफ मैं पकौड़ों में ऐड करूँगी। इधर मेरे पास जो ड्राई रोस्ट था सूखा धनिया और ज़ीरा, ये 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी, बाकी मैं पकौड़े के अंदर ऐड करूँगी। मेरे पास ये चाटी की लस्सी, आप दही की लस्सी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड करते हुए अपने चम्मच को चलाती रहूँगी। मैं थोड़ी सी चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड करूँगी,
इसका चम्मच हमने तब तक चलाते रहना है जब तक इसको बॉयल ना आ जाए। इसको बॉयल आने के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। इसका मज़ीद ऐसे ही चम्मच हमने चलाते रहना है, बस इसको बॉयल आने वाला है। इस कंडीशन में मैं इसमें थोड़ा सा तेज़पत्ता ऐड करूँगी। इधर मैंने आलू की कटिंग की है, प्याज लिया है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, हल्दी, रेड चिली यानी कि दड़ा मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी, अजवाइन, ठीक है। अब इसमें मैं पालक ऐड करूँगी। सूखा अनारदाना अच्छी तरह से धो लेना है, ये ऐड करूँगी। अच्छा, इसमें अब कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमारे पकौड़े क्रिस्पी होंगे, ये टिप आपके साथ कोई भी शेयर नहीं करेगा। इसमें मैंने एक टेबलस्पून गंदम का आटा लिया है, ये ऐड करूँगी। ये दड़ा वो मेरे पास है ज़ीरा और धनिया जिसको मैंने ड्राई रोस्ट किया था, ये ऐड करूँगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी, हरी मिर्च ऐड करूँगी। ये मेरे पास बेसन है तकरीबन एक प्याली, इतना ही बेसन जाएगा इसमें। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर मैं पकौड़े बनाऊंगी इसके। ये आप इसकी रंगत देख सकते हैं। इधर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने घी रखा है। अब आपको पकौड़े निकाल के दिखाऊंगी इसमें से। हाथ से ज़्यादा अच्छे बनते हैं बजाय चम्मच की मदद से, और आपको ऐसे फील होगा जैसे ये बाज़ार से लाएं। अरे, इधर हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं, बिल्कुल बाज़ार वाले पकौड़े हमने घर में बनाए हैं। ये देखिए, अब हम इसका तड़का लगाएंगे। इधर मैंने ले लिया साबुत लाल मिर्च, थोड़ा सा सूखा धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा। हमारा घी जो है गर्म हो गया, वो जो पकौड़ों में से थोड़ा सा बच गया था उसी घी को इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, हम इसी को रोस्ट करेंगे। बस चूल्हा ऑफ कर देंगे और ये जो पकौड़े मैंने तैयार किए थे ये कढ़ी में आपके सामने ऐड करूंगी। ये जो तड़का है हमारा बेस में ऐड करेंगे। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारी कढ़ी की फाइनल लुक है।